channel Beauty Obsessed with me, Kainath Sheikh. Today I've created this party makeup look. So if you're interested to know how I created this look, so keep on watching. This video is collaborated with Kainath's creation. So guys, वो बहुत ही अच्छा यूट्यूबर है, वो भी ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस करती है. डू चेक हर चैनल. मैं उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी. प्लीज सब्सक्राइब टू हर चैनल गाइज. Hey girls, hi, I'm Kainath from Kainath Creation and I do beauty related, makeup related videos on my channel which is Kainath Creation. So today I'm going to collab with Kainath Sheikh, that is the Beauty Obsessed. So we have similar names and we have similar contents. So I would love if you come and please subscribe to my channel, or if you please like my videos. It's not possible, first you can see and then you can subscribe, like or share, whatever you like to do. And another thing is I'm having giveaway on my channel, so it's on right now. So hope you will enjoy that and do participate to try your luck also. So bye. पहले अपना आई मेकअप कंप्लीट करूंगी. सबसे पहले मैं अपने आईलिड को प्राइम करने के लिए यूरोप गर्ल की कंसीलर यूज कर रही हूँ. पूरे आईलिड पे लगाऊंगी अच्छे से. अपने फिंगर्स की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड करूंगी. देन मैं अपने आई लिड को सेट करूंगी मेबेलिन के कॉम्पैक्ट से. देन फ्लफी ब्रश के हेल्प से मैं ये ब्राउन शेड लेकर अपने क्रीज एरिया को डिफाइन करूंगी हल्के हल्के हाथ से. उसके बाद मैं हिलारी रोडा का गोल्डन आईलाइनर अप्लाई करूंगी. उसके बाद अपने डार्क स्पॉट पर मैं ये कंसीलर लगाऊंगी. अपने फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड करूंगी. देन मैं नायका का फाउंडेशन लूँगी. आई मीन द शेड वॉर्म सैंड 03. ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है. ये आपको मीडियम टू लो कवरेज देता है, बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं देता. एक पे भी लगाऊंगी. देन विद द हेल्प ऑफ डैम ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसे ब्लेंड करूँगी. अच्छे से ब्लेंड करना. देन अपने इनर कॉर्नर ऑफ द आईज को हाईलाइट करूँगी. ब्रिज ऑफ द नोज, फोरहेड, क्यूपिड्स बो, लिटिल बिट चिन,
देन उसे सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। देन अपने कॉम्पैक्ट से अपने कंसीलर को सेट करूँगी। ब्रश की हेल्प से पूरे फेस को सेट करूंगी। अपने बाकी के आईज कंप्लीट करूंगी। ये पेंसिल ब्रश लेकर मैं अपने लोअर लैश लाइन पर लगाऊंगी। ये ब्राउन शेड लेकर मैं मस्कारा लगाऊंगी। अपने अपर आईलैश पर और लोअर आईलैश पर उसके बाद मैं आईलैश लगाकर ऑफ कैमरा आईलैश लगा लिए हैं। उसके बाद मैं अपने आईब्रो को करूंगी। आईब्रो के लिए मैं ये सेम ब्राउन शेड ले रही हूँ। उससे अपने आईब्रो को फिल करूंगी। फ्रंट पार्ट को ऐसे आप अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाकर करें। देख सकते हो डिफरेंस। आईब्रो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप आईब्रो नहीं फिल करोगे तो आपका मेकअप लुक बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा। इसको कंट्रोल करने के लिए मैं ये शिवाना का पैलेट ले रही हूँ। आपको हॉलोज ऑफ योर चीक्स लगाना है, ठीक है। बस जॉ लाइन पर टू हाइड डबल चिन, देन फोरहेड पर नोज। फिंगर से हेल्प से मैं ब्लेंड करूंगी। देन मैं ब्लश लगा रही हूँ। मैं इसी पैलेट से ये पिंक कलर की शेड लेकर लगाऊंगी। मैं अपने हाइलाइटर लेकर अपने फेस को हाईलाइट करूंगी। देन विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश मैं इनर कॉर्नर को अपने हाईलाइट करूंगी। उसके बाद अपने ब्राउ बोन पर ये परसोनी की डार्क मरून कलर की लिप लगाऊंगी।
So girls, this is my final look. मैंने अपने हेयर को ट्विस्ट एंड टर्न ऐसे बांध रखा है. तो अगर आप सभी को जानना है कि मैंने ये हेयर स्टाइल कैसे क्रिएट किया है, डू कमेंट डाउन बिलो. और अगर आप सभी को मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स.